नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी एजुकेशन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल जो कि टाइम और वर्क से रिगार्डिंग है। ये अलग कैटेगरी का है, तो चलिए हम देखते हैं। ए कोई पर्सन है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, मतलब ए किसी काम को 20 डेज में कम्प्लीट कर लेता है। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे कि ए किसी काम को 20 डेज में कर लेता है, ठीक है ना। डी रिप्रेजेंट द डेज एंड बी कैन डू इन 15 डेज, उसी काम को जो बी है वो कितने दिन में करता है, वो करता है 15 डेज में उसी काम को करता है। ओके, हाउ लॉन्ग विल दे टेक इफ बोथ वर्क टुगेदर, अगर दोनों ए और बी दोनों मिलके काम करें तो उसको कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या निकालना है कि ए और बी अगर दोनों मिल जाएं तो वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं, इसमें भी हम शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले पहला पॉइंट ये है कि टोटल वर्क निकालना है आपको, टोटल यूनिट आप कह सकते हैं, टोटल यूनिट या फिर इसको हम कह सकते हैं वर्क, कि टोटल वर्क हमको कितना करना है एक्चुअली। तो वो हम कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके जो कि ए और बी का टाइम दिया होगा उसके एलसीएम से निकालेंगे। मैं अभी आपको क्वेश्चन में बता दूंगा किस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। और दूसरा आपको निकालेंगे कि यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ डेज, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में कितना यूनिट वर्क करता है, हमको ये दो चीजें निकालनी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से करना है, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए किसी काम को 20 डेज में करता है, बी उसी काम को 15 डेज में करता है। तो हम लोगों को देखना यह है, हमको निकालना है टोटल यूनिट निकालना है, हमको क्या निकालना है, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, टोटल वर्क कितना किया गया है। तो हम ऐसे निकालते हैं LCM of 20.5, जितना उसका टाइम दिया हुआ है उसका हम LCM ले लेंगे, तो इससे हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकल आएगा, ठीक है। तो अगर दोनों का LCM लेंगे तो 60 आएगा, तो हमारा टोटल यूनिट कितना हो गया, 60 यूनिट वर्क करना है हमको, टोटल वर्क जो करना है वो 60 यूनिट है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ से कि ए किसी भी काम को 20 डेज में करता है, 20 डेज में काम करता है, तो 60 यूनिट वर्क करना है हमको। तो ए किसी काम को 20 डेज में करता है तो 60 यूनिट को वो कितने दिन में करेगा, तो हम लोग देखते हैं 60 यूनिट पर डे, एक दिन का काम निकालना है, तो हम क्या कर देंगे 20 डे हो जाएगा, तो इससे हमारा निकल आएगा 3 यूनिट पर डे। इससे निकल आएगा कि जो ए है वो 20 डेज में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में वो 3 यूनिट वर्क कर रहा होगा। इसी तरह से हम लोग बी क्या निकालेंगे कि बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 15 डेज में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कैसे करेगा, तो 60 यूनिट अपॉन 15 डेज, 15 डेज कर देंगे तो कितना, 15 × 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 यूनिट पर डे। तो अगर हम दोनों को ऐड करें, क्योंकि जो हमारा ए है वो क्या करता है 3 यूनिट पर डे करता है और बी है जो वो 4 यूनिट पर डे करता है, अगर हम दोनों को मिला दें तो ये कितना करेगा, 7 यूनिट पर डे कर देगा, क्योंकि 4 + 3 = 7 यूनिट पर डे। तो अगर ए और बी दोनों मिलेंगे तो एक दिन में 7 यूनिट काम करते हैं, ठीक है। हमको निकालना है नंबर ऑफ डेज, तो हमको निकालना है नंबर ऑफ डेज, कैसे निकालेंगे, तो इसका नंबर ऑफ डेज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल यूनिट, जितना भी हमको वर्क करना है टोटल यूनिट अपॉन यूनिट पर डे, जो कि यूनिट पर डे वो जितना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि टोटल यूनिट कितना दिया हुआ, टोटल यूनिट हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया 60 यूनिट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 60 यूनिट अपॉन यूनिट पर डे कितना है, यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया कि 7 यूनिट पर डे कर दें, अगर दोनों मिल जाएंगे तो 7 यूनिट पर डे करेंगे, तो इस तरह से आपका जो आ जाता है 70/60/7, तो उससे टोटल डेज कितना लगेंगे, 60/7 इतना डेज उसे लगेंगे, यही आपका आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और टाइम और वर्क से रिगार्डिंग आपको और न्यूमेरिकल चाहिए, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग, आपको जो जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, मैं उससे रिगार्डिंग आपको वीडियो बनाऊंगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।